नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आलोचनात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय का साहित्यिक परिचय। अज्ञेय का नाम आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य जगत में कहीं भी किसी रूप में भी किसी की जानकारी से अछूता नहीं है। अज्ञेय का नाम आप कह सकते हैं हिंदी जो साहित्य है उसमें बड़ी ही आदर से लिया जाता है। जो आधुनिक कविता है, आधुनिक काव्य है, तो उसमें उसका जो प्रयोगवादी रचनाएं हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवियों में या प्रतिनिधि संपादक कवियों में इनका नाम लिया जाता है। लगभग सभी विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। बहुत ही आप कह सकते हैं प्रभावी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज अज्ञेय का साहित्यिक परिचय। सामान्य परिचय, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी रचनाकार का परिचय लिखते हैं, साहित्यिक परिचय लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उनका सामान्य परिचय अर्थात उनके जीवन से जुड़ी हुई जीवन परिचय जिसको आप कह सकते हैं लिखते हैं। तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। यह नाम आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और वैसे भी जिस राइटर के बारे में आप पढ़ रही हैं उनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सन 1911 में और जो मृत्यु है वो इनकी 1987 में हुई। इन्होंने 1930 में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और उसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। मतलब ये गांधी जी से प्रभावित थे। जिस समय हम लोग आप कह सकते हैं प्रतंत्रता का दुख सहन कर रहे थे सभी भारतीय, तो बहुत से युवक इस स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए जुटे थे। तो अज्ञेय हैं वो भी उनमें से भी एक हैं और इनको फिर कारावास जाना पड़ा। 1943 से 1946 तक 3 वर्ष इन्होंने सेना में भी बिताए हैं। 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य व संस्कृति के अध्यापक रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक अध्यापक के रूप में भी, कवि लेखक के रूप में भी देश के लिए देश प्रेम को उकेरा है और सभी रचनाओं में इनका देश के प्रति प्रेम भी हमें दिखाई देता है। और आप कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य व संस्कृति को इन्होंने बहुत आगे तक बढ़ाया है। काफी हद तक इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता साहित्य आदि का परिचय दिया है। रचनाएं जो है इनकी बहुत सी हैं, मैंने मेन मेन आपको लिख के दी है, आप इतना याद कर लें बहुत है। कि काव्य संग्रह करते हैं जो कविताओं के संग्रह है, कविताओं की जो किताब है वो है बावरा अहेरी हरी घास पर क्षण भर कितनी नावों में कितनी पार, उपन्यास नदी के दीप अपने अपने अजनबी कहानी संग्रह विपथगा परंपरा निबंध त्रिशंकु यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद। इसलिए इनकी जो रचनाएं बहुत है उनमें से जो प्रमुख है प्रसिद्ध है, वैसे तो सभी प्रसिद्ध हैं पर इनको आप अवश्य याद करें। पुरस्कार एवं सम्मान जो मिले इनको, मैंने बताया था भारत का जो साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आंगन के पार द्वार। ये मैं आपको बता दूं कि जो रचना का नाम है वो कितनी नावों में कितनी बार और जो पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी तरह से आंगन के पार द्वार यह इनके द्वारा रचित रचना का नाम है और जो पुरस्कार या सम्मान इन्हें मिला वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं हम पढ़ेंगे कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। आपने जो कविताएं पढ़ी है, जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखते हैं जो रचनाएं आपने अपने सिलेबस में पढ़ी हैं वहीं से ही, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साहित्यिक परिचय में वहीं से ही हम कुछ पॉइंट्स या आप कह सकते हैं कुछ विशेषताएं निकालते हैं। तो जो पहली कविता आपने पढ़ी उससे आप देखेंगे कि भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एकदम सजीव चित्रण किया है कि किस तरह के हमारे गाँव है, कि तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गमार
झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। ढूलमुल गंवार, वो ये नहीं कि भाई गंवार है, ऐसा नहीं कि भाई वो जो घास फूस से ही छप्पर डाल करके वो अपनी झोपड़ियां या रहने की जगह बना लेते हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारे देश की सही पहचान उन्हीं गाँव में जा करके होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और ज्यादातर जनता गाँव में ही रहती है। ऐसा जब अज्ञे ने यह रचना लिखी उस समय की स्थिति है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के, वहां पर कोई आप नहीं कह सकते कि किसी तरह का संगीत की क्लास लेते हैं, वो उनके अंदर कुदरती होता है। परंपरा से अपनी बड़ों को देख करके ही सीखने वाले होते हैं कि वो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं और वो उस एक सुर में मिल करके गाते हैं, उसमें ही हमारा ऐसा लगता है कि भारत की जो साधना है उसका रस टपक रहा है। तो इस तरह से भारतीय ग्रामीण संस्कृति का इन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। व्यंग्य वर्णन, व्यंग वर्णन क्योंकि प्रयोगवादी कविता के ये कवि हैं, तो उन्होंने बहुत से नए प्रयोग भी किए हैं। व्यंग चित्रण किया है सांप के माध्यम से। पहले ये कहा जाता था कि जो नगर में रहता है तो वो सभ्य हो जाता है, तो एक व्यंग है कि सांप तुम में सभ्य भी नहीं हुए, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं, मतलब सभ्य हो जाते हैं जो लोग वो दूसरों को धोखा देते हैं। एक प्रकार से इस कविता में आप कह सकते हैं व्यंग है जो लिखा है, उसका अर्थ जो है उससे अलग निकलता है कि तुम्हें डसना कहाँ से आ गया, तुम्हारे अंदर इतना जहर कैसे बस गया। ग्रामीण सभ्यता के ऊपर इन्होंने व्यंग करने का प्रयास किया है। विकास के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा, उज्जल हारिल बहुत अच्छी कविता है इनके द्वारा रचित। और पूरी कविता को जब भी अगर आप उदास हैं, कहीं पर हारे हुए टूटा हुआ महसूस करते हैं, पढ़ते ही तुरंत एनर्जी आती है। हारिल पक्षी के माध्यम से इन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर आपके पास जिंदगी में हाथ में ही अकेला ओछा तिनका, कि जो तेरे पास एक छोटा सा साधन, ओछा तिनका क्या है, छोटा सा कोई साधन है किसी काम को करने के लिए भी, मैंने ये काम करना है, ये लक्ष्य पाना है और इसमें मेरे पास साधन बहुत कम है, तो कहते उसी को लेकर के तू काम शुरू कर दे। उषा जाग उठी प्राची अर्थात पूर्व दिशा में, सवेरा हो गया है, अब किसी की बाट देखने की और भरोसा किसी का करने की जरूरत है। अर्थात जीवन में अगर कुछ अचीव करना है तो खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, और जैसे ही आप भरोसा करके चल देते हो उसी समय आपके जीवन में एक नया सवेरा आ जाता है। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए ही चाह सृजन की। सृजन का अर्थ क्या, कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, कि जो तेरे मन के अंदर एक इच्छा है कुछ नया करने की, आज तेरे हाथ में जो साधन है वह ही तेरी शक्ति है, या तेरे से छूट न जाए, तेरी सृजन करने की, कुछ नया करने की जो इच्छा है वह खत्म न हो जाए इससे पहले। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि जो तेरे मन की इच्छा खत्म होने से पहले ही तू तेरे हाथ में जो साधन है उसके साथ ही कार्य करना शुरू कर, तेरे जीवन की गति भी रुकने जाए, जीवन क्षण भंगुर है इसका पता नहीं है। व्यष्टि से समष्टि की महत्ता, कि अगर एक व्यक्ति है उसकी अकेले की इतनी पहचान नहीं है, उसका इतना महत्व नहीं है, व्यष्टि व्यक्तिगत भी पहचान है, लेकिन अगर वह समष्टि से अर्थात समाज से जुड़ जाता है तो वह जो है समाज के लिए कल्याणकारी तो होता ही है, खुद के लिए भी होता है। अर्थात व्यष्टि व्यक्तिगत से समाज की ज्यादा महत्ता है, यह बताने का प्रयास किया है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरह से व्यष्टि की महत्ता बताने का इन्होंने प्रयास किया है। उपलब्धियों व परिणामों का ही आकर्षण, अब इन्होंने देखो सारी तरह के प्रयोग किए हैं, तो समाज कैसा है इसके बारे में इन्होंने इसका सजीव सा चित्रण किया है कि एक नाच कविता के माध्यम से, कि जो रस्सी बांध करके नट नटनी नाच करते हैं, प्रकाश पड़ता है, तो कहते कि लोग जो है क्या मिला है और क्या परिणाम है सिर्फ इसी चीज की ओर देखते हैं, कोई भी और कुछ देखता नहीं है। कविता के माध्यम से संदेश भी कह सकते हो, यह बात भी कह सकते हैं आप कि मनुष्य के जीवन में उसने कहाँ कितना संघर्ष किया इस बात को कोई नहीं देखता। एक इंसान को कुछ पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, सिर्फ देखते हैं कि आज इसके पास यह है और इसके काम का परिणाम यह है। तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। समाज कैसा है उसका आप कह सकते हैं सजीव सा चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अज्ञेय के परिचय के बारे में आपने पढ़ा, जाना इनकी कविताओं के बारे में जो आप पढ़ते हैं, या ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही जो है उदाहरण दें,
ऐसा जरूरी नहीं होता, आप कोई भी और पॉइंट बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रही हूँ कि जो कविताएं रचनाएं आप पढ़ते हैं उनके बारे में ही आप काव्यगत विशेषताओं के रूप में बता सकते हैं। यह मैं आपको बता दूं कि जो आगे की भाषा है, क्योंकि आधुनिक काल की कमी है, तो खड़ी बोली हिंदी है, बहुत आप कह सकते हैं इनकी भाषा सुदृढ़ भाषा है, मजबूत भाषा है, प्रभावी भाषा है, और इन सभी तरह की भाषाओं के शब्द इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं।